डाइनिंग टेबल पे एक क्लॉथ बिछा दिया है। ये भी मेरे सूट का ही बचा हुआ एक कपड़ा है जिसको मैंने अभी इस पे यूज किया है। टेबल क्लॉथ एक्चुअली इस पे बिछाना जरूरी है। वैसे तो मैं टेबल मैट्स रखती हूँ छोटे छोटे, पर वो क्या होता है कि उस पे खाया नहीं जाता और हाथ में थोड़ा सा चुभता रहता है। शायद आप लोगों को भी कभी ऐसा एहसास हुआ हो। तो ये वैसे तो शीशे का है तो इसको हम ढक देते हैं तो ये शीशा दिखता नहीं है, पर नहीं ढकने से क्या होता है ना कि इस पर गंदा बहुत होता है और बार बार इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो इस पर हम एक टेबल क्लॉथ की तरह बिछा देते हैं एक कपड़ा। तो ये मुझे लगता है आई थिंक ये छोटा सा आप लोगों को टिप्स है कि घर में यदि बचे हुए कपड़े हैं तो आप लोग इस तरीके से इसको बिछा सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं इस पर और भी कुछ करूँगी तो देखिए। और तो इस तो एक मैं ये लेके आई हूँ, ये देखिए लंबा सा है, ये सेंटर में रखने के लिए होता है। तो ये देखिए, तो इसे मैं इसके ऊपर बीच में सेंटर में बिछा देती हूँ। और ये एक छोटा सा ट्रे है, इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे नमक, वो नमक, काली मिर्च और अचार, ऐसे डब्बे इसके अंदर रख दूंगी। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। तो देखिए हमारा डाइनिंग टेबल सज गया है। जो देख रहे थे आप भीड़ भाड़, वो सब मैंने हटा दिया और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये भी एक आइडिया है आप लोगों के लिए। जो कल मैंने एक टोकरी बताई थी, इस टोकरी के अंदर मैंने मैजिक लाइट्स लगा दिए हैं जो कि आजकल अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो ऐसे ही आप टोकरी के अंदर ऐसे कुछ तरह से लाइट लगा ली थी। ये मेरे पास स्टैचू है, मैं कहीं गई थी तो वहाँ से खरीद के लाई थी और कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 150 या 200 का था वो, क्योंकि शायद मैं साकेत के मॉल से लेके आई थी, बाहर मेला सा लगा हुआ था वहाँ से लेके आई थी। और एक मेरे पास ये ट्रे है, देखिए मैं बहुत दिन पहले सदर बाज़ार से लाई थी और वो मैंने रखा हुआ है, ऐसे ही रहता है ये, कभी इधर कभी उधर ऐसे ही सेट रहता है। ये ट्रे मैं यहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से काम पड़ता है तो मुझे मिलता नहीं है, तो मैं इस ट्रे को यहीं रखती हूँ। इसके अंदर मैंने ये जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, ये दोनों चीज़ रखी हैं। कभी कभी फ्रूट्स भी रख देती हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो जैसे दिवाली हो जाएगी तो इस लाइट्स को हटा के आप इसके अंदर फ्रूट्स रख सकते हैं। तो इस तरह की टोकरी जब आपके घर में आती है कहीं से तो ज़रूर उसका यूज करें, फेंकने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखिए हमारा डाइनिंग टेबल आपको कैसा लग रहा है अब। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए सर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोने में एक मैंने फ्लावर का वो रखा है, ये फ्लावर पॉट रखा है, इसे मैं कभी इधर उधर शिफ्ट करती रहती हूँ पर अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख दिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे सजा सकते हैं।
तो चलिए आज के इस जो दिवाली डेकोरेशन का आइडिया है उसका वीडियो के लिए आज मैं इस ब्लॉग को करती हूँ लास्ट, और आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर और कमेंट तो आपका मन है कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी लोग देखेंगे जो मेरे इस हुनर को या मैं कुछ भी करती हूँ उस चीज़ को। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के ब्लॉग के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ मैं कल, जल्दी जल्दी ब्लॉग करके ब्लॉग लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने हैं। अभी मैं जो शॉपिंग से सामान खरीद के लाई थी वो भी नहीं आप लोगों को दिखाया मैंने, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वो भी दिखाऊँ। तो पहले आप इसको देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको देखती रहूँ। चलिए बाय बाय।